रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि पूरी धरती का 10% जमीन केवल रशिया के पास है। रशिया का टोटल क्षेत्रफल में से 60% एरिया में केवल साइबेरिया के जंगल है। आपको ये फैक्ट पता होगा कि रशिया पहला अंतरिक्ष यात्रा करने वाला देश है, जो साल 1961 में रशिया के ही एक व्यक्ति यूरी गागरिन रॉकेट से अंतरिक्ष गए थे। ये इतना बड़ा है कि इसका सरफेस एरिया प्लूटो प्लैनेट के सरफेस एरिया से भी ज्यादा है। और ये इतना बड़ा है कि सन 1867 में रशिया को अपनी टेरिटरी मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इन्होंने अलास्का को यूएसए को बेच दिया, वो भी मात्र $7.2 मिलियन में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 15 शहर रशिया के ऐसे हैं जो दुनिया को अभी तक पता नहीं है, यानी रशिया ने इनको छुपा कर रखा। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है, जिनकी करंट संख्या 6255 तक है, जबकि अमेरिका के पास 5550 न्यूक्लियर बम है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम हाइड्रोजन बम रूस के पास है, जिसको ये स्टार बम कहते हैं। ये न्यूक्लियर बम से 1400 गुना ज्यादा पावरफुल है। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने इस्तेमाल हुए थे बम, उनसे 10 गुना ज्यादा इफेक्ट ये अकेला ही हाइड्रोजन बम डाल सकता है। रूस की लंबाई चौड़ाई 10,000 किलोमीटर है, जो कि चंद्रमा के व्यास का लगभग 3 गुना है। इसका कुल क्षेत्रफल प्लूटो से भी ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया में ही, ये दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे माना जाता है, जिसकी लंबाई 9,290 किलोमीटर मानी जाती है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हेमिटेज नामक विशाल म्यूजियम है, जहां 70 बिलिया गार्ड का काम करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस म्यूजियम में इतनी पेंटिंग्स व कलाकृतियां हैं कि चूहों से सुरक्षा इंसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इस म्यूजियम की लंबाई 22 किलोमीटर है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया में मीठे जल का कुल स्रोत का 20% हिस्सा रूस की सिर्फ एक झील में है। इस झील का नाम बेकाल है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील माना जाता है। रशिया का क्षेत्रफल 17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि यूएसए के एरिया का 2 गुना है। रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन क्रिएट करने पड़े हैं। रशिया का सेक्स रेशियो इतना उथल पुथल है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से 1.25 करोड़ ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशियों को अपने सैनिकों की हानि बहुत ज्यादा उठानी पड़ी। रूस की कराची झील दुनिया की सबसे जहरीली झील है, जिसके आसपास जाने पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दरअसल 1990 में रशिया की एक प्राइवेट कंपनी ने सीक्रेटली इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट डाल दिए थे, जिससे यहाँ के लोगों में रेडिएशन का इन्फेक्शन फैल गया। लेकिन जैसे ही रशियन गवर्नमेंट को पता चला 2003 में, तो उन्होंने इस कंपनी को बैन कर दिया। लेकिन रूस का 60% एरिया साइबेरिया है, जहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। ये विश्व का 25% जंगल कवर करता है। रूस में पीटर द ग्रेट के शासन में दाढ़ी पर टैक्स लगाया जाता था। ये फैक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि पीरियोडिक टेबल के आविष्कारक दिमित्री मेंडलीव है, जो कि एक रूसी रसायन विज्ञ थे। अब इस फैक्ट ने मुझे हैरान कर दिया है कि 99.9% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक तिहाई लोगों का मानना है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। रूस में विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी लिचेवस्किया स्पोका, जिसकी ऊंचाई 4,750 मीटर तक है। रूस का हेरमिटेज दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जिसमें पाषाण युग से आधुनिक युग तक के 3 मिलियन कलाकृतियां मौजूद है। रूस ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को 4 अक्टूबर 1957 को स्पेस में भेजकर एक अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी सार कोलकोल बेल रूस के क्रेमलिन में है। इसे 1735 में बनाया गया था, जो जल्द ही टूट गई थी, जिसका वजन 223 टन तक था। रूस का 1/3 भाग पर पेड़ है, जो दुनिया के 20% एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ के अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का यूज करते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।